लगो मां से बढ़ के कुछ भी नहीं है। चाहे भगवान ने जन्म लिया है, चाहे कोई अवतार बन के आया है, लेकिन माँ के माध्यम से ही बेड़ा पार है। बात की समय की, 5 साल के लड़के चंद्रहास को लेके वो दहाई लेकर जाती है और खेल खेल में एक दिन एक बालक ने उसका थप्पड़ मार दिया। बोला रहा मैं मेरी माँ तो जाके कहूंगा। बालक ने बोला रहा तू जिसको माँ कहता है वो तेरी माँ नहीं है। तो बोला वो देख दासी है, उसने तेरे को पाड़ा है। लड़का रोता रोता उस दहाई के पास में गया। अनुबलारी मन अनु बता दे मेरी माँ कौन है। नुबली बेटा अरे इस धरती पर बहुत गणे ऐसे हो जिनको जन्म किसी ने दिया और पाला किसी ने। मेरी बात सुन, जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तू मेरी ममता पर शक मत कर। वो दहाई उदाहरण दे उस लड़के को क्या समझाती है। तेरी छाह कर लू तोना मैं सुरुख बना पत्या का छा कर लू तोना मैं सुरुख बना पत्या का उसने चढ़ दिया मन ने पाड़ा उसने चढ़ दिया मन ने पाड़ा अरे मैं के तेरी माँ को ना जिसमें सभी देवता गंधर्व किन्नर दानव बुलाए गए। दैत्यों का गुरु था शुक्राचार्य एकांतकाना, उसको उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। वो शुक्राचार्य अपनी बेइज्जती मान गया। एक मरा हुआ सांप लेके आया, सबकी नजर बचाता हुआ उस खीर के कढ़ाई में उस प्रसाद के अंदर डाल देता है। अब ये सारे मरेंगे तेरा एक लेकर राज होगा। यह सारी कहानी एक मिनट की देखने लग रही। मिंडकी ने सोची क्यों ना तुझे अपने प्राण दे पर इनकी जान बचा। जब कढ़ाए को उठाने के लिए आए 100 रुपए से भाई जयपाल जी मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। कढ़ाए को उठाने के लिए आए उनका सामना डाक मार की। ऋषियों ने श्राप दिया रहा तेना प्रसाद खराब कर दिया जा तेरे अगले जन्म में कलंक लगेगा। लेकिन लोगों जब वो कढ़ाया उड़ेड़ा नीचे मरा हुआ सांप पाया। नोलारा मिंडकी ने बहुत भला काम करा भाई। नोला भाई जो श्राप दे दिया वो तो दे दिया, इसको आशीर्वाद भी दे दो। वेद मंत्रों से उच्चारण करके उस मिंडकी को लड़की के रूप में पैदा कर लिया जिसका नाम मंदोदरी। मंदोदरी ऋषियों की पैदाइश थी। रावण बड़ा ही विद्वान पंडित था, ऋषियों के पास आना जाना लगा रहे। 12 साल की उम्र मंदोदरी की रावण का मंदोदरी का प्रेम प्रसंग हो गया। मंदोदरी का कंवारी का गर्भ ठहर गया। ये तो श्राप के कारण कलंक लगा। लेकिन जब मंदोदरी ने बताई ऋषियों से, ऋषियों ने रावण से बात करी, रावण ने मंदोदरी को अपना लिया। शादी करके पुष्प विमान में बैठाकर जब लंका की तरफ चलता है दोनों आपस में बातें करते हैं। रावण ने बोला मंदोदरी ऋषियों की पैदाइश है, क्या सीखा तेने जिंदगी में। बोली महाराज यदि मैं हंसूंगी तो फूलों की बारिश होगी। मंदोदरी ने हंसकर दिखाया फूलों की बारिश हुई। रावण तन बोली तन्ने भी तो घने साल हो गए गोटे तुड़ाते तने क्या सीखा। बोला मंदोदरी यदि मैं चंगहाड़ लगाऊंगा तो 20 कोस तक गर्भवती अपना गर्भ गिरा देंगी। इस बात का जिक्र चल रहा था नजारा बनता है। वो पुष्पक विमान किस कंधा पर्वत के ऊपर था। जैसे ही रावण ने चंगहाड़ लगाई मंदोदरी का गर्भ गिर गया। ये इतिहास चीख चीख कर पुकारता कि अंगद वाली का पुत्र है। अंगद पुत्र तो रावण का मंदोदरी का था। बोली बेटा बाली ने तो पाया था और तारा ने पाया। देखो उसने कित तक नाम करा मेरी ममता पर शक मत कर। क्या बता
हीरा रंधे थे बैठे ऋषि मरी मींढकी माँ पड़क कन्या करकत करी सामरथ वेद व्यधि मंत्र पढ़क बारह साल की कपह लाग गया रावण ले गया था हड़क किस कन्या में गर्भ गिरा दिया जब बल्ली ने पाया तड़क भगवान को जन्म दिया था लेकिन बेटा पाड़ा या सोता न रहा उसने नाम करया है। और सुन त्रेता के अंदर जब 14 वर्ष का वनवास काट कर श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस लौटे अरे यह प्रजा उस सीता की बुराई करने लगी। रामचंद्र ने सीता तो सोटा दिया लोगो सीता थी गर्भवती वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाकर है देखिए हमारी सभ्यता ये कहती है कि हमारा सनातन ये कहता कि दान एक हाथ तक और दूसरे को पता नहीं लगना चाहिए। 500 रुपए गुप्त दान बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। सीता गर्भवती थी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाकर है लड़के लव को जन्म दे दिया। वाल्मीकि ऋषि भक्ति में बैठा और छोरा पालने में सोवे वह सीता पानी लेने खातर चाली जंगल में नजारा बनता एक पंदरी के बच्चे ने भालू उठा लेगा। सीता के मन में विचार आ रहा तेरा छोरा एक लाश है कदे उसके लिए कहानी ना बन गया। वापिस आई अपने लड़के को गोदी में उठा के पानी लेने चली गई। जब तो ऋषि का ध्यान गया नहीं लेकिन भक्ति करते करते जब पालने की तरफ नजर पड़ी वो पालना खाली मिला। ऋषि ने मन मनो सोचा वह दुखिया तेरे भरोसे पाई थी वह तेरे द्वारा छोरा मांगेगी तू कित के लाल देगा। भक्ति करते करते ने एक डाब का तिनका एक घास का तिनका जिसको कुसा कहते हैं वह पालने में बगा दी। दूसरा छोरा कुसा जिसको कुश सीता लव ने तो लेके चली गई थी लेकिन पानी लेके उल्टी आई दूसरा छोरा पालने में खेलता हुआ। बेटा उसको वाल्मीकि ऋषि ने बना दर सीता ने पाला रहा उसने भी नाम करा है क्या समझाती है। कान पाड़ा ओ विदुर भगते हम कान पाड़ा गोर मंदर चढ़ा दिया यशोदा ने वो करसन पाड़ा दुनिया के मचना दिया मदना वतन रोहित पाड़ा सारा की सा सुना दिया मदना वतन रोहित पाड़ा किसा सुना दिया आये राजा रूस नगरी ले ले राजा रूस नगरी ले केरे और देश न रह कोना उसने जन दिया मन्ने पाड़ा
क्या बढ़िया मान रहा हूँ। अरे कुंती ने कर्ण को पैदा तो कर दिया लेकिन पालने की क्षमता नहीं थी, पैदा करते जल में बहा दिया। साकी बाप वो इतना कुछ पहलाद भगत का बैरी हो गया, अपने बेटे को मारने के सो सो इंतजाम करे। बेटा जन्म देने वाला बड़ा नहीं रे, बड़ा तो पालने वाला है। क्या कहती है नंबर तीन में? तेरे शरप बेटा कर लो की दाता को ना, तेरे प्रेम मत मरी पड़ी करवार कुटुंब पाता को ना। और राजा रुसे नगरी ले ले, उम्र मेरी 20 साल की उम्र मेरी, तेरे बाप घर आई थी तेरी माँ मेरे ते छोटी मन लखन लाई थी। जब बेटा तेरा जन्म होया सबने खुशी मनाई थी, साल तक बाल अवस्था मन अपनी चूची प्याई थी। पर मंगे राम तथर के जाने, मंगे राम लोगो आज काल ऐसी था को ना। बात अच्छी लगे।